दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, इसको अपन दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की मेनली तीन रेंजेज हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम। इस डायग्राम में देखें नीचे, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डेमम और पालनी। नीलगिरी है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। इसकी हाईएस्ट पीक है डोडाबेटा एंड माकुती, ये नीलगिरी, इसकी हाईएस्ट पीक डोडाबेटा एंड माकुती। ये अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक होगी अन्नामुड़ी, और फिर नीलगिरी अन्नामलाई, फिर कार्डेमम हिल्स, और कार्डेमम हिल्स की जो हाईएस्ट पीक होगी वो अगस्ता मलाई, जो अगस्ता मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी इसी में है। ठीक है, नीलगिरी से यहाँ पे एक पेरियार निकलती है जिसका संबंध है साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। ठीक है, नीलगिरी, और ये देखो ये माउंटेन रेंजेज ऐसे हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो ये दर्रा है इसको अपन बोलते हैं पाल घाट दर्रा, और अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है सेनकोटा दर्रा। अब नीलगिरी के ये जो पाल घाट दर्रा है इसके इधर वाली सिटी का नाम है पलक्काड़, पलक्काड़, और इसके इधर वाली सिटी का नाम है कोयम्बटूर। तो ये इन दोनों सिटियों को ये जोड़ता है, पलक्काड़ और कोयम्बटूर। कौन सा जोड़ता है? पाल घाट दर्रा। और फिर जो अन्नामलाई एंड कार्डेमम हिल्स हैं इनके बीच में है सेनकोटा दर्रा। इसको इधर इसके सिटियां हैं कोलम एंड त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, और इसके इधर वाली सिटी है मदुरई। तो मदुरई को त्रिवेंद्रपुरम से या मदुरई को कोलम से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सेनकोटा। ठीक है, फिर जो अन्नामलाई है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर बनाती है, केरल और तमिलनाडु का। नीलगिरी है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है। जी, अब ये जो है सदर्न हिल्स का, इनका जो ये हिल्स हैं इनके एक तरफ का ढाल है वो लैंड लैंडवर्ड है और एक तरफ का सीवर्ड ढाल है। मैंने आपको बताया जब मानसून की जो विंड्स आती हैं, मानसूनल विंड्स आती हैं, वो सबसे पहले यहाँ टकराती हैं, और इस वाले जो माउंटेन रेंज के ढलान में ये ऐसे ऊपर चढ़ती हैं। तो ऊपर इनके फ्लो में क्या होता है, कन्वेक्शनल रेन, सहवनीय वर्षा होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस यहाँ पे इसको मानसून ब्रस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, जैसे कल अपने नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में पढ़ा था मेघालय प्लेटू में, ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है, तो यहाँ भी वही लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ होगा, वही सेम डिसिलिकेशन वाली प्रोसेस जो कल हुई थी। और उसको अपन ने हॉटस्पॉट बोला था क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे वनस्पति का विकास ज़्यादा होता है, तो यहाँ भी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसको भी अपन हॉटस्पॉट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट को अपन हॉटस्पॉट बोलते हैं। पेरियार रिवर का अपन इसमें बात कर चुके हैं। चलते हैं, सदर्न हिल्स अपना कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। चलो, वेस्टर्न घाट का ये अपन पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट और कोस्ट। वेस्टर्न घाट को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री और दक्षिणवर्ती सह्याद्री। ठीक है, तो जो तापी रिवर है अपने पढ़ा, तापी रिवर, ये है तापी रिवर, ये तापी रिवर। तापी रिवर से अपन ऊपर ने पढ़ा था सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा से ऊपर नर्मदा रिवर है, नर्मदा से ऊपर विंध्यन रेंज है। ठीक है, ये तापी रिवर है, तापी से यहाँ से ये शुरू होता है, तापी से लेके जो गोवा की कैपिटल है पंजिम, एक पार्ट यहाँ तक इसका डिवाइड है। अगला अपना जो लैंडमार्क पॉइंट है वो अपन लेंगे नीलगिरी माउंटेन, और लास्ट पॉइंट इंडिया के लास्ट सिटी कन्याकुमारी। तो जो तापी नदी से लेके पणजी तक जो है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, और पंजिम से लेके नीलगिरी तक अपन बोलते हैं मध्यवर्ती सह्याद्री, और नीलगिरी से लेके कन्याकुमारी तक अपन बोलते हैं दक्षिणवर्ती सह्याद्री। ठीक है, ये तो हुआ वेस्टर्न घाट, जो इनका पहाड़ी एरिया है कोस्टल एरिया पे उसको अपन बोलते हैं घाट, वेस्टर्न घाट। और इसके साथ में जो समुद्र के साथ जो तट लगा हुआ है, जो तटवर्ती एरिया है, उसके भी इसी प्रकार से नाम है। तो जो उत्तरी सह्याद्री के पास वाला तट है उसको अपन बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, फिर मध्यवर्ती सह्याद्री के पास वाला तट है उसको अपन बोलते हैं कन्नड़, कन्नड़ तट। कोंकण है, इसमें गोवा और महाराष्ट्र वाला एरिया आता है,
कन्नड़ में अपने कर्नाटका वाला एरिया आता है, फिर नीलगिरी से लेके आगे इसको कन्याकुमारी तक को अपन बोलते हैं मालाबार तट, जो दक्षिणवर्ती सह्याद्री के पास में है, मालाबार तट इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं उत्तरी सह्याद्री ये कैसे बना है। मैंने आपको कल डेक्कन ट्रेप में चार रेंजेस बताई थी, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। तो इनका जो ईस्टर्न ढाल था वो तो था डेक्कन ट्रेप, और इनका जो वेस्टर्न ढाल है उसको अपन बोल देंगे उत्तरी सह्याद्री। फिर उसके बाद बाबा बुदान हिल्स बताया था, तो बाबा बुदान हिल्स का जो इधर वाला ईस्टर्न ढाल है उसको अपन ने बोला था मलनाड, और जो इसका वेस्टर्न ढाल है उसको अपन बोल देंगे मध्यवर्ती सह्याद्री। और फिर यहाँ पे अपने अभी तीन माउंटेन पड़े हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम। ठीक है, इन तीनों का जो वेस्टर्न ढाल है इसको अपन बोल देते हैं दक्षिणवर्ती सह्याद्री। ठीक है, फिर अपने पढ़ा जो सतमाला, अजंता, इसी में कुछ पीक्स हैं इनके, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो नदन सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट पीक हैं, सेलर पीक, कलसुबाई पीक और महाबलेश्वर पीक। कलसुबाई पीक से गोदावरी रिवर निकलती है और महाबलेश्वर रिवर से कृष्णा नदी निकलती है। गोदावरी रिवर का अपने जिक्र कल भी किया था, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अब जो ये आपका जो पूरा वेस्टर्न घाट है, ये इसके बीच में उत्तरी नर्दन सह्याद्री में कुछ दर्रे हैं, जैसे यहाँ पे ये मान लो ये मुंबई लोकेशन है, और ये है नासिक और ये पुणे, तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला। तो मुंबई से नासिक को जो जोड़ने वाला है वो थाल घाट है, और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला बोर घाट है। अब इसको कंफ्यूज हो सकते हो, याद कैसे रखेंगे, अगर थाली से आप दाल या कुछ खिचड़ी खाओगे तो थाली आपके नास नास पे टच होगी, नाक पे टच होगी, तो नासिक को टच करने वाला थाल घाट। मध्यवर्ती सह्याद्री अपने बताया, बाबा बुदान हिल्स है यहाँ पे, मध्यवर्ती सह्याद्री बाबा बुदान हिल्स है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है कुदेर मुख, और यहाँ पे वो सोने वो लोहे की खाने हैं। ठीक है, और यहाँ से एक रिवर निकलती है शरावती रिवर, और शरावती रिवर है उस वो हाईएस्ट फॉल बनाती है, इंडिया का हाईएस्ट फॉल है, जिसको अपन बोलते हैं जोग फॉल, या उसको महात्मा गांधी फॉल भी बोल देते हैं। ये कौन सी रिवर पे है? शरावती रिवर पे है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नीलगिरी पर्वत, उत्तरी सह्याद्री की अपन बात कर चुके हैं, फिर अपन बात करते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट जो है यहाँ पे लेगून झील है एक, अष्टामुड़ी लेक, अष्टामुड़ी लेक इसी तट के समीप होती हैं, लेगून झीलें वो होती हैं, और इनको अष्टामुड़ी लेक है, इसी अष्टामुड़ी लेक में वो होती है नेहरू ट्रॉफी होती है अपनी, जो बोट रेस की नेहरू ट्रॉफी है बोट रेस के लिए। फिर अपन बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, अपन ने बात करी और वेस्टर्न कोस्ट की बात करी। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी हिल्स हैं? पालनी, शिवराय, जावेदी, देखो अपन इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ये अपनी नीलगिरी, ये नीलगिरी, ये अनामलाई, ये कार्डेमम, ये पालनी, ये शिवराय, ये जावेदी, ये पालकोंडा, वेलकोंडा और नल्लामाला। ठीक है, ये नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, पालनी, शिवराय, जावेदी, पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामाला, इन छह से मिलके ये बना होता है। जो पालनी, शिवराय, जावेदी हैं ये तमिलनाडु में हैं, और जो पेलकोंडा, वेलकोंडा, नल्लामाला हैं ये आंध्रा में हैं। इनका जो ईस्टर्न स्लोप है उसको अपन बोलेंगे ईस्टर्न घाट। फिर कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में ये जो कट कट के पूरा अपना वेस्ट ईस्टर्न घाट ये खत्म हो चुका है। अराकोंडा जो पीक है विशाखापट्टनम के पास, ये ईस्टर्न घाट की वेस्ट पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इसमें एक महेंद्रगिरी चोटी है। फिर अपन ने उसमें जैसे वहां पे अपन ने वो पढ़ा था कि उसके पास वाले वो होते हैं तट होते हैं, वैसे ही इसमें भी तट है।
ठीक है, जो तमिलनाडु वाला तट है इधर वाला, इधर वाले को अपन क्या बोला था, मालाबार, इसको अपन बोलेंगे कोरोमंडल तट। और उसके ऊपर वाले को बोलेंगे आंध्रा तट, और उसके ऊपर वाले उड़ीसा वाले को बोलेंगे उत्कल सरकार। ठीक है, इनके लैंडमार्क क्या है, यहाँ पे पुलिकट लेक है, यहाँ पे गोदावरी रिवर है, और ये गोदावरी रिवर से ऊपर वाला पार्ट है। आंध्र प्रदेश को आंध्रा तट बोलते हैं, उड़ीसा तट को उत्कल सरकार, उत्तरी सरकार या उत्कल तट या उत्कल सरकार बोलते हैं। इसमें चिल्का झील है, यह एशिया का सबसे बड़ा लेगून या खारे पानी की झील है ये। ठीक, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। और कल अपने पढ़ा था मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, कोलोरू लेक पड़ी थी वो मीठे पानी का सबसे बड़ा अस्थायी झील थी वो। ठीक है, और ये चिल्का लेक कल मैंने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपको एक बताई थी, रामसर साइट के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लॉकटक लेक, और चिल्का लेक भी उसी में है, रामसर साइट्स में है, लेकिन अभी चिल्का लेक इससे वापस बाहर आ चुकी है इनके रिस्टोरेशन के एफर्ट्स के कारण, इसलिए इसको रामसर अवार्ड मिला हुआ है। और एक है उसमें राजस्थान का केवला देव, वो भी रामसर साइट्स में है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। रामसर साइट में तो टोटल 26 है इंडिया की। फिर अपन बात करते हैं, अभी अपन पश्चिमी घाट पढ़ा और पूर्वी घाट पढ़ा, इनमें डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो पूरा का पूरा पूरा फैला हुआ है, जबकि अपने यहाँ क्या पड़ा, कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो बीच का डेल्टा है वो गोदावरी और कृष्णा के वो खत्म हो चुका है यहाँ पे इरोजन के कारण। तो ये क्या हो गया, अकर्मिक विस्तार हो गया इसका, इसका विस्तार अकर्मिक हो गया, इसका विस्तार हो गया कर्मिक हो गया। फिर ऊंचाई और ढाल, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई अधिक है और तीव्र है, ढाल तीव्र है, इसी कारण से इधर इस वेस्ट साइड में जो भी नदियां जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बनाने के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, किसी भी नदी का एक तो फ्लो है, जो प्रवाह है उसका, वो धीरे होना चाहिए ताकि उसको इतना टाइम मिल पाए कि वो वहाँ के सेडिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर पाए, जो सेडिमेंट्स है वहाँ डिपॉजिट कर पाए वो। और दूसरी बात, सेडिमेंट डिपॉजिट करने के लिए होना क्या चाहिए, उसके रास्ते में उसको कहीं सेडिमेंट मिलने चाहिए, उसके रास्ते में कहीं कोई बड़ा डैम नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस अगर कोई रिवर फॉलो करती है तो वो जाके डेल्टा बनाती है, जबकि उधर वाली रिवर्स क्या है, बहुत तेजी से गिरती हैं, तो ये डिपॉजिट्स हैं वो सीधा समुद्र में ले जाती हैं, तट पे नहीं डालती, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती। ये जो बनाती हैं उसको बोलते हैं अपन एस्चुरी। तो वेस्टर्न घाट वाली रिवर्स हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो ईस्टर्न घाट वाली रिवर्स, जो इधर ईस्टर्न साइड में जो भी रिवर फ्लो करेंगी बे ऑफ बंगाल की साइड, वो डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसके जो तटवर्ती ढाल है पश्चिमी घाट का, वहाँ पे औसत से अधिक वर्षा होती है, बताया आपको, क्योंकि वो मानसूनल फॉल इधर, मानसूनल रेन विंड्स इधर से ही आती हैं, जबकि ईस्टर्न घाट की क्या होता है कि वो पैरेलल निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि लौटते हुए मानसून से इसके कारण बारिश होती है ईस्टर्न घाट पे, जबकि वेस्टर्न घाट से लौटते हुए मानसून से बारिश नहीं होती है। पश्चिम घाट का ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, पश्चिम घाट की ऊंचाई और ढाल की तीव्रता, ठीक है, ये भी अपना हो गया। अच्छा, एक ये है कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित संरचनाएं मिलती हैं, जबकि पूर्वी घाट में बेसाल्ट चट्टान नहीं मिलती। कल मैंने आपको बताया बेसाल्ट में अगर डिपॉजिट, इसका इरोजन होगा तो इससे बनेगी ब्लैक सॉइल, जबकि ग्रेनाइट से रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल बनेगी। जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ रेड बन जाएगी, बारिश ज़्यादा होगी तो लेटराइट बन जाएगी। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में लेगून झीलों की संख्या अधिक होती है और पूर्वी घाट में इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, मिट्टी का बता दिया, लेटराइट मिट्टी है, वनस्पति की सघनता अधिक है, हॉटस्पॉट बोलते हैं इसको। ओके, ये डिफरेंस हो गए, देखिए पूर्वी घाट में डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वन मिलते हैं। ओके,